खबरों में बात करते हैं बुलंदशहर की डिबई तहसील के, जहां पर डिबई तहसील पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। डिबई पुलिस ने मकान दुकानों में चोरी करने वाले गिरोह के 6 सदस्यों को एक स्कॉर्पियो गाड़ी में 3 घटनाओं में चोरी किए गए सामान सहित गिरफ्तार किया है। कि ये चोर हैं जो चोरी करते थे, ये डिबई थाना क्षेत्र में 6 सदस्यीय गिरोह पकड़ा गया है जो बिल्कुल हाईटेक टाइप का है, स्कॉर्पियो का इस्तेमाल करते हैं। चोरी की घटना के बाद स्कॉर्पियो में माल को लाद के मौके से हटाना और फिर उसको ले जाके मार्केट में बेचना। इनके द्वारा कुल 5 क्षेत्र में 5 चोरियां जो है की गई थी, जिसमें से 3 का पूरा 100% माल बरामद हो गया है। 2 चोरी का माल इन्होंने कबाड़ी को बेच दिया था। और इनके कब्जे से एक तो शराब की दुकान में से जो चोरी हुई थी उससे 41 पेटी शराब उसकी बरामद हुई है, और एक हॉस्पिटल में और एक फार्म हाउस था वहाँ से इनके द्वारा जो चोरी की गई उसमें पर्दे, गद्दे, DVR, बैटरी, इन्वर्टर, केबल, फ्रिज, तमाम और आइटम्स हैं जो घरेलू उपयोग के थे, वो सब बरामद हुए हैं इन अलग अलग अभियुक्तों के घरों से। इस तरह से एक पूरा एक संगठित गिरोह है जो क्षेत्र में टारगेट को चुनता है, इसके बाद गाड़ी लेके जाते हैं, रात में चोरी करते हैं, फिर माल लेके चले जाते हैं। सर, इनके पास से बरामद क्या क्या हुआ और ये अब से पहले के जेल जा चुके हैं? नहीं, अभी तक जेल जाने का इनका कोई रिकॉर्ड पुराना नहीं मिल पाया है और संभवतः ये कभी खुले नहीं, लेकिन निश्चित तौर पर पुराना साकिर गैंग है और अब इसकी भविष्य में भी गतिविधियों पर नज़र रखी है। ठीक है, थैंक यू। जनपद उन्नाव के गंगा बैराज मार्ग ट्रांस गंगा सिटी मामले में भड़के किसानों ने गंगा घाट कोटवाली क्षेत्र के शंकरपुर पावर हाउस के बाहर रखी पाइप लाइन में लगाई आग। वहीं किसानों का उग्र प्रदर्शन हुआ शुरू, काफी आक्रोशित हैं किसान। पुलिस की मारपीट से आज उग्र फिर हुआ किसान। आग बुझाने में लगी फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां कम होने के कारण अन्य जगहों से बुलाई गई गाड़ियां। मौके पर मौजूद कई थाने की पुलिस फोर्स अधिकारी दे रहे सावधानी बरतने के आदेश। किसान आज भी उग्र हो रहे हैं, जगह जगह पर आग लगा रहे हैं, आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, किसान उग्र नहीं, कोई किसान सामने नहीं आ रहा है। इसमें जैसा कि हमने पहले बताया था, कुछ अराजक तत्व हैं जो कहीं पर जो है इस तरह की घटना कर रहे हैं। एक जगह खुले में कुछ प्लास्टिक की पाइप पड़ी थी, वहाँ फूस पड़ा था, फूस में आग लगाने से प्लास्टिक की पाइप में आग पकड़ लिया है, अब उससे जल गया। जहाँ आप खड़े हैं यहाँ पर, चूँकि एकदम गाँव के पड़ोस में है, यहाँ पर एक टैंकर खड़ा हुआ था, वो मिक्सर, तो उसमें आग लगाने की कोशिश की गई है। किसान कोई सामने नहीं आ रहा है। अभी हम लोग गांव में जा करके लोगों से अपील भी करेंगे कि शांति बनाए रखें और कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आपको मालूम है कि 15 से 18 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, ये एक बहुत बड़ा विस्तृत एरिया है और इस विस्तृत एरिया में पूरा इनका सामान खड़ा है और सारी चीज़ें हैं। उन सामानों को हम लोग इकट्ठा करा करके 2-3 जो इनके गोडाउन हैं उनमें इकट्ठा करा रहे हैं और उनमें सुरक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, कुछ मिसक्रियंट्स हैं जो इस तरह कोशिश कर रहे हैं, बाकी पूरी शांति है, आप सभी लोग स्वयं ही देख रहे हैं। ये शांति हम लोग बनाए रखेंगे, किसी कीमत पर शांति और कानून व्यवस्था प्रभावित नहीं होने देंगे और काम भी UPCDA का निरंतर चलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच। रतलाम जिले के जावरा अरनिया पीथी कृषि उपज मंडी के विधानसभा चुनाव के ठीक पहले राजनीतिक सांठगांठ में 30 तुलावटियों की भर्ती की गई थी। इसको लेकर तुलावटी के संघ के पुराने ग्रुप ने आपत्ति जताई है। वहीं लोगों पर धन बल के चलते भर्ती करने का आरोप भी लगाया है। मामले की सुनवाई के लिए मध्य प्रदेश के राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल पहुंचा। प्रमोद कुमार साकल, कौन से संघ से हैं? मैं जो अरनिया मंडी और जावरा मंडी में जो तुलौटी संघ है उसका मैं अध्यक्ष हूं। क्या कुछ मामला रहा है आपकी काफी पहल रही और भोपाल तक काला जमा लगा रहा, निरस्त भी हुआ आपका लाइसेंस, क्या मामला है? 29-8 अगस्त की बैठक में मंडी समिति द्वारा एक मौखिक चर्चा की गई थी कि 20 तुलौटी की भर्ती अपने को करना है, लेकिन उसी प्रस्ताव को उन्होंने अन्य रूप में लेके उप समिति गठित कर दी। उप समिति गठित कर अवैध और बिल्कुल फर्जी तरीके से उन्होंने 30 नाम चयनित कर लिए। समिति में मेरा नाम भी था, मुझे जानकारी बहुत बाद में प्राप्त हुई एक लेटर के माध्यम से कि आपका समिति में नाम है, परंतु कभी भी इन्होंने उप समिति की बैठक नहीं ली, ना ही कोई नाम का प्रतिवेदन लिया, ना ही कोई आवेदन लिया। समस्त कार्रवाई उन्होंने पूरी फर्जी तरीके से और अपनी मनमर्जी की तरीके से की है। हमने उनकी शिकायत पूरी RTA से सामान लिया, पूरा मंडी समिति से, तत्कालीन मंडी सचिव मानसिंह मुनिया जी थे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के जो बड़े बड़े वादे थे और कुछ अधिकारी उन वादों को पलीता लगा रहे थे, लेकिन अब उन वादों को सरकार सुधारने में लगी है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने हर जिले से प्रशासनिक अधिकारियों को अलर्ट कर दिया है और सभी जिले के अधिकारियों को हिदायत दी गई है कि कोई भी मामला हो उसे प्रमुखता से लिया जाएगा। जी भाई, क्या नाम है आपका? बलिहसन भाई, आपको प्रस्ताव में निर्विरोध घोषित कर दिया गया है, क्या पूरा प्रस्ताव हुआ था, किस तरह से हुआ था?
जी सही तरीके से हुआ है। सभी ग्राम पंचायत के लोग यहाँ मौजूद थे, ग्राम प्रधान भी थे, सचिव साहब भी थे और ओडीओ पंचायत भी थे और कई सारे अधिकारी थे। क्या संतुष्ट हो आप इस सब अधिकारियों की? हम भी संतुष्ट हैं, हमारे जो ग्राम पंचायत के वासी हैं वो भी संतुष्ट हैं। कैसा लग रहा है आपको निर्विरोध चुना गया है, डीलर बने? अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे जनता से? मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ और ये वो सबसे कहना चाहता हूँ, सही इसका वितरण करूँगा, किसी को भी कोई शिकायत का मौका नहीं। जी क्या नाम है आपका? अहमद जान। अच्छा प्रधान जी, क्या प्रस्ताव हुआ है और किसके पक्ष में गया है, कौन कौन अधिकारी मौजूद था? ये कोटा हमारा जो है रिक्त चल गया था पिछले एक महीने से जी, और इसके लिए दो प्रत्याशी मैदान में आए, मुजाहिद हुसैन मैसर जहाँ। मुजाहिद हुसैन ने अपना जो है आवेदन पत्र वापस ले लिया और उन्हें जो है निर्विरोध चुन दिया गया। क्या संतुष्ट हैं सब लोग? जी बिल्कुल संतुष्ट हैं। दूसरा पक्ष कोई सामने नहीं आया? नहीं आया। कौन कौन अधिकारी मौजूद थे इसमें? एडीओ पंचायत साहब थे, सचिव साहब थे और दो ही। जी क्या आज प्रस्ताव हुआ? अच्छा लग रहा है। ये नगर पुलिस कला ग्राम पंचायत में राशन की दुकान रिक्त चल रही थी, उच्च अधिकारियों के आदेश अनुसार आज 14/11/19 को नगरपुरी कला के प्राथमिक विद्यालय में राशन विक्रेता के चयन हेतु खुली बैठक का आयोजन किया गया। आयोजन में राशन की दुकान की कार्रवाई शुरू की गई, उसमें दो आवेदन पत्र प्राप्त हुए। प्रथम आवेदन पत्र मैसर जहां का प्राप्त हुआ है और दूसरा आवेदन पत्र मुजाहिद हुसैन का प्राप्त हुआ है। मुजाहिद हुसैन ने अपनी स्वेच्छा से अपना आवेदन पत्र वापसी लिया और बाद में केवल एक आवेदन पत्र बचा मैसर जहां का, और उपस्थित ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से एक साथ हाथ उठाकर मैसर जहां को निर्विरोध अपना राशन विक्रेता चुना। कितने अंगूठे आए थे और कितने साइन हुए हैं यहां पे? बैठक की कार्रवाई पूरी थी, कोरम पूरा था बैठक का, कोरम पूरे होने के बाद में बैठक की कार्रवाई शुरू की गई। कौन कौन अधिकारी यहां पे मौजूद हैं पुलिस के साथ? यहां पर हमारे पुलिस प्रशासन दरोगा जी थे और उनके साथ जो सहयोगी थे कांस्टेबल वो थे, और सचिव हमारे जो है जरीफ अहमद और राशिद हमारे सहयोगी, और एक जो है इमरान। कौन सा ब्लॉक का हुआ है ये? भगतपुर टांडा ब्लॉक में पड़ता है, नगरपुरी कला। प्रधान की मौजूदगी में हुआ है? हाँ ठीक। महुआ जिले के चरखारी तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम गोहरारी के बाबा महादेव आश्रम में हर वर्ष 4 दिवसीय मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें दूर दराज से दुकानदार आते हैं और दुकानदारों के रहने खाने की व्यवस्था ग्राम प्रधान राजू राजपूत के द्वारा की जाती है।